हाउ आर यू। आज हम 8th क्लास में पाई चार्ट करेंगे। पाई चार्ट जिसको क्या बोलते हैं, सर्कल ग्राफ। ये क्या होता है, एक पाई चार्ट क्या है, इस सर्कुलर चार्ट डिवाइड इनटू सेक्टर्स। इसमें पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्कल बनाया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, इसकी प्रपोर्शन के हिसाब से। ये जो प्रपोर्शन दी हुई है ना, कि एक स्टूडेंट है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, 6 घंटे वो स्कूल जाता है, 3 घंटे वो उसमें होमवर्क करता है, 3 घंटे प्लेइंग के लिए है, 8 घंटे वो सोता है, 2 घंटे वो टीवी देखता है, और 2 घंटे जो बचे हैं वो अदर एक्टिविटीज, कोई भी काम करता है, गार्डनिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, म्यूजिक, सॉरी स्लीपिंग तो है, म्यूजिक सुनता है या कुछ भी करता है। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, 24 आवर्स, 6 दिन 9 दिन 12 8 2 2 22 24, ये टोटल है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसका पाई चार्ट तैयार करना है। सेंट्रल एंगल आउट 360 डिग्री, कहते ये जो सर्कल है वो क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स। इसके पूरा सर्कल जो है वो होल, सारा सर्कल जो है इसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम शो करेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड ए पाई चार्ट। ठीक है, अब इसमें पाई चार्ट में फार्मूला क्या होता है, अब टाइम स्पेंट इन आवर्स, 24 आवर्स है, 6/24 इंटू, सर्कल कितने का है, 360 डिग्री एंगल, तो ये कितना हो गया, ये देखो 6 चौका 24, यहां कितना हो गया 90 डिग्री। ये जो पाई चार्ट बनाएंगे उसमें स्कूल जो है वो 90 डिग्री को शो करेगा, और होमवर्क 3/24 × 360 डिग्री, 3 8 8 4 32 8 5 40 45 डिग्री के एंगल जो है वो होमवर्क को शो करेगा। उसके बाद प्लेइंग जो है वो 3/3 घंटे बिताते हैं, 24 घंटे में से 3 8 24 × 360 डिग्री कितना हो गया, 45 डिग्री। ओके, इतना समझ आ गया, ध्यान दो इधर। आगे क्या है, स्लिपिंग के लिए 8 घंटे है, 8/24 × 360, 8 3 24 3 1 3 3 2 6 0, 120 डिग्री का एंगल जो है ये शो करेगा स्लिपिंग को। आगे क्या है, 2/24 × 360 डिग्री, एक ये कितना हो गया, 12 12 3 36, और ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री किसको शो करेगा, वॉचिंग टीवी को। आगे क्या है, 2/24 × 360 डिग्री, 1/ कितना हो गया, 12 12 कट गया, ये कितना बन गया 30, ये भी 30 डिग्री का एंगल जो है इसको शो करेगा अदर एक्टिविटीज। अब हम प्रिपेयर क्या करेंगे, पाई चार्ट जो है इसको डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, सर्कल ग्राफ है। अब हम एक क्या बनाएंगे, पाई चार्ट के लिए एक सर्कल बनाएंगे, आप कंपास से भी बना सकते हो। ठीक है, ये पाई चार्ट हमारा बन गया, ये सर्कल बना जो है ये 360 डिग्री एंगल को, इसको हम बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब क्या शो कर रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया ना यहाँ पे, तो ये जीरो है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये स्कूल है वो 90 डिग्री को शो कर रहा है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कूल 90 डिग्री के एंगल को शो कर रहा है। इतना टाइम वो स्कूल में बिताता है, 6 घंटे, उसका पाई चार्ट हमने क्या शो किया है, स्कूल का 90 डिग्री आया है एंगल, तो क्या शो कर रहा है, टाइम पीरियड को। ठीक है, उसके बाद क्या है, 30 डिग्री 30 डिग्री, वॉचिंग टीवी और अदर एक्टिविटीज। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे, 1 बराबर इक्वल पार्ट्स में, ये देखो 30 डिग्री
30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये तीनों हो गए। अब सबसे पहले क्या है, दूसरा क्या है होमवर्क, 45 डिग्री। 45 डिग्री कहां से बनेगा, यहां पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये कितना बन गया 45 डिग्री। तो ये किसको शो करेगा, होमवर्क। सेकंड क्या है, होमवर्क 45 डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट प्लेइंग, प्लेइंग वो कितने टाइम करता है, 3 आवर्स। पाई चार्ट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, कितने का एंगल बनेगा, 45 डिग्री। अब नेक्स्ट जो है स्लीपिंग वो 120 आवर्स में करता है, 120 आवर्स में करता है, और वॉचिंग टीवी 30 डिग्री, अदर एक्टिविटी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये कितने टाइम करता है स्लीपिंग, 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 120 का एंगल बन गया ना, ये देखो ये 90 का था, इधर का 30 लिया, कितना हो गया 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट जो एक्टिविटीज कौन सी है, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी कितने टाइम देखता है, 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है, अदर एक्टिविटीज, ये कितने टाइम है, 30 डिग्री के एंगल को शो कर रही है, अदर एक्टिविटीज। ओके, ये हमारा पाई चार्ट बन गया, 24 आवर्स को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम कुछ भी, कोई भी हमें ये दिया हुआ है, कोई भी टेबल दिया हो सकता है, उसका हम पाई चार्ट आसानी से बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू किसके, जैसे उसने टाइम स्पेंड दिया हुआ है 6 घंटे, तो दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 6/24 × 360 डिग्री, उसके बाद हिसाब से एंगल आ गए और उसको हमने इस तरह डिवाइड कर दिया। ओके, ये हमारा पाई चार्ट बन गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए सर्कल ग्राफ। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।